नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हेमंत दास आप लोगों के पास फेकुरेनस के बारे में एक और एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आप और आप मेरे साथ जुड़िए और अंत तक देखिए वीडियो, तो नया जानकारी के साथ हम लोग आज वीडियो को शेयर करेंगे। आज का टॉपिक से हिस्ट्री ऑफ फेकुरेनस ट्यूब्स एंड ऑर्डर ऑफ द्रॉ, जो फेकुरेनर कब शुरू हुआ था, कब से चालू हुआ, मार्केट में आया, कौन लाया, तो और उसके साथ साथ ही हम जानेंगे ऑर्डर ऑफ द्रॉ का बारे में। तो फेकुरेनर कब इन्वेंट हुआ, ये बहुत ही मज़ेदार जानकारी है, रोचक जानकारी है। बहुत सारे टेक्नीशियंस लोग या हम लोग फेकुरेनर का यूज़ करते हैं, लेकिन उसका कब शुरू हुआ उसके बारे में मालूम नहीं है, और किसने शुरू किया ये भी मालूम नहीं है। तो आज हम यही टॉपिक लेके आया आप लोग के पास, ऑर्डर ऑफ द्रॉ के साथ साथ किसने फेकुरेनर शुरू किया। तो फेकुरेनर का जो शुरू हुआ, इन्वेंट हुआ 1949 में, और किसने किया, जोसेफ क्लेनर ने किया। लेकिन वही टेक्नोलॉजी जोसेफ क्लेनर ने डेवलप किया था 1947 में, और जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ वो टेक्नोलॉजी 1949 में मार्केट के आया, फेकुरेनर मार्केट में आया। तो अभी भी वो कंपनी जो बेक्सन डिक्सन है, फेमस फेकुरेनर कंपनी है, वही ये इसको मार्केट करता है, जो फेकुरेनर को मार्केट करता है। उसके बाद इसका एम क्या है, अगर आपको अगर हम लोग देखते हैं तो फेकुरेनर का एम क्या है, फेकुरेनर डेवलप होने से क्या होगा, पेशेंट्स का क्या फ़ायदा होगा। तो ये फ़ायदा होगा जो पेशेंट्स को सही रिपोर्ट मिलने में सुविधा होगा। ये फेकुरेनर आप ऑर्डर ऑफ ड्रॉ मेंटेन करेंगे तो आपको जो पेशेंट के लिए बहुत ही सुविधा है, सही रिपोर्ट पेशेंट को मिलने का सुविधा होगा, तो वह क्रॉस कॉन्टामिनेशन को अवॉइड करेगा। अगर उसको सही तरीके से ब्लड लिया जाता है स्पेसिफिक ऑर्डर में, तो ट्यूब्स में, स्पेसिफिक ऑर्डर में ट्यूब्स में, तो आपको पेशेंट को सही रिपोर्ट मिलने में सुविधा होगा। इसलिए फेकुरेनर को डेवलप हुआ। पहले कुछ साल पहले तो फेकुरेनर इंडिया में था ही नहीं, जो बहुत सारा जगह में फेकुरेनर यूज होता ही नहीं था। अभी धीरे धीरे हर जगह में फेकुरेनर यूज़ होना शुरू हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के बारे में। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ आपका स्पेसिफिक जो जो टेस्ट होता है उसका हिसाब से होता है, फिर भी हम सबको इसमें लाएंगे। सभी किसको किसको पहले लेना है, किसको बाद में लेना है, सब हम इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। तो पहले तो हमको ऑर्डर ऑफ ड्रॉ में आएगा ब्लड कल्चर ट्यूब। अगर किसी पेशेंट का ब्लड कल्चर रहता है तो उसको ब्लड कल्चर ट्यूब सबसे पहले लेना पड़ेगा। उसके बाद लेना पड़ेगा कोआगुलेशन ट्यूब, ब्लू टॉप ट्यूब्स, अगर कोई कोआगुलेशन टेस्ट है। उसके बाद आपको लेना पड़ेगा बायोकेमिस्ट्री या दूसरा टेस्ट के लिए, जो रेड टॉप और येलो टॉप ट्यूब विदाउट क्लॉट एक्टिवेटर, जिसमें क्लॉट का कोई क्लॉट एक्टिवेटर नहीं रहेगा। उसके बाद आपको लेना पड़ेगा, अगर उसमें कोई क्लॉट एक्टिवेटर है ट्यूब में, रेड ट्यूब या जेल ट्यूब में, उसको भी आप लेना पड़ेगा बाद में। उसके बाद आपको लेना पड़ेगा ग्रीन ट्यूब, हेपारिन ट्यूब, जो हेपारिन ग्रीन कलर है, अगर ग्रीन कलर का कोई स्पेशल टेस्ट है तो आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद है इडीटीए ट्यूब, जो इडीटीए आपका सीबीसी या ब्लड ग्रुपिंग है, ये सब है, आपको लेना पड़ेगा। इडीटीए ट्यूब पर्पल टॉप का है। उसके बाद आएगा आपका शुगर का वाइल, जो हमको कॉमनली मालूम होता है शुगर वाइल, जो ऑक्सालेट और फ्लोराइड ट्यूब्स ग्रे टॉप में, उसको आपको लेना पड़ेगा। और लास्ट में आएगा ईएसआर ट्यूब, जो ब्लैक टॉप में आता है। और उसके साथ साथ ही ब्लड लेने के बाद आपको इन्वर्सन, जो मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग का टेक्निक यहाँ में दिखाया गया है, पहले सीधा करके लेना है, उल्टा करना है और सीधा करना है, तो इसको आपको वन इन्वर्सन होगा। जो पिक्चर में इसलिए दिखाया गया, ये वन इन्वर्सन कैसे होगा, तीनों को मिक्स करने के बाद आपको एक बार होने से कम्प्लीट, ये थ्री स्टेप्स एक बार कम्प्लीट होने से आपका इन्वर्सन, वन इन्वर्सन कम्प्लीट होगा। तो हम अभी दिखा रहे हैं ब्लड कल्चर बोतल, ब्लड कल्चर बोतल को कितना टाइम मिक्स करना है, तो इन्वर्टिंग आज 8 to 10 टाइम्स इन्वर्टिंग करना है, ब्लड कल्चर इन्वर्सन करना है, जो मैं पहले दिखाया। उसके बाद है आपका पीटीएनआर ट्यूब्स या कोआगुलेशन ट्यूब, इसको भी आपको 3 to 4 टाइम्स इन्वर्सन करना है। उसके बाद आपका रेड और येलो ट्यूब्स आपको जो है दूसरा स्टेप में, उसको आपको धीरे धीरे से 5 टाइम्स का इन्वर्सन करना होगा। उसके बाद होगा आपका ग्रीन टॉप, उसके बाद है आपका ग्रीन टॉप, तो ग्रीन टॉप का भी आपको 8 to 10 टाइम्स इन्वर्सन करना होगा, क्योंकि इसमें सब में एंटीकोगुलेंट रहता है। उसके बाद ईडीटीए है, ईडीटीए को भी आप 8 to 10 टाइम्स इन्वर्सन करना है। उसके बाद फ्लोराइड है, फ्लोराइड को भी आपको 8 to 10 टाइम्स ही इन्वर्सन करना है। उसके बाद आपको ईएसआर है, ईएसआर को भी आपको 8 to 10 टाइम्स धीरे धीरे करना है। जो इन्वर्सन टेक्निक मैंने दिखाया आपको, वही तरीके में भी आपको इन्वर्सन करना है, क्योंकि ज़्यादा इन्वर्सन क्यों करना है, ये सब में ईडीटीए, ग्रीन, ब्लैक, फ्लोराइड, इसमें एंटीकोआगुलेंट होता है, तो एंटीकोआगुलेंट को आपको सही से मिक्स होना पड़ेगा ब्लड के साथ। तो थैंक यू, अगर मेरा वीडियो में आपको सही इन्फॉर्मेशन सही लगा और मेरा जानकारी आपको अच्छा लगा, ये वीडियो जान के आपको देख के आपको अच्छा लगा, तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए,
और साथ में ये बेल आइकन में दबा के मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मज़ेदार और रोचक जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग कमेंट भी कीजिए, और कमेंट में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप बोलिए, हम कोशिश करेंगे आपको सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए।